तो वहाँ से वाकई वेगा का नजारा देखा जा सकता है? जी हाँ, यहाँ लिविंग रूम से आप वेगा का नजारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर बोट्स भी हैं और हुर्ती ग्रूटन भी। ये जगह सच में खूबसूरत है। इस जगह का क्या नाम है? इस खूबसूरत जगह का नाम है ऊवा गार्डन। ऊवा गार्डन, ऊवा गार्डन। उम्मीद करता हूँ मैंने सही कहा है ना? ऊवा गार्डन। जी हाँ, ये एक ओ है जिसके बीच से लाइन जाती है। जी हाँ, अच्छा। हम इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा पर आप सीख जाएंगे, जल्दी ही सीख जाएंगे। हेलो। हाय। और ये मेरी वाइफ है एल्स, और हमारी ये पेट कौन है? माया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम जेमी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ। ये जगह सच में खूबसूरत है। आप यहाँ हमेशा से रहते हैं? नहीं, हमने ये जगह दरअसल 12 साल पहले खरीदी थी, उसके बाद हम यहाँ आए। और इससे पहले आप कहाँ पर थे? पहले हम ओलेसन में रहते थे, जो वेस्ट कोस्ट में है। वो ओस्लो के बाहर एक जगह है। और उससे पहले मैं अल्टा में रहता था, जहां मैं इनसे मिला। इस बात को 20 साल हो गए हैं। और तभी मैं एयर एम्बुलेंस में कैप्टन हुआ करता था। और मैं फ्लाइट नर्स हुआ करती थी। अच्छा, तो आपकी मुलाकात आसमान में हुई? तो आपकी लाइफ बहुत बिजी रही होगी, ऊपर आसमान में काम करते हुए। और आज आप नॉर्वे के इन खूबसूरत नजारों के बीच। अब हम रिटायर हो चुके हैं। थोड़ा जल्दी ही रिटायर हो गए। मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ की हवा फ्रेश है, और यहाँ नॉर्वे की बाकी जगहों के मुकाबले मौसम थोड़ा गर्म है। हाँ, वो तो है, और वो इसलिए क्योंकि ये एक कोस्टल एरिया है। और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम भी है, जहाँ से गर्म हवा आती है, इसलिए बर्फ इतनी नहीं गिरती। तो बाकी जगहों के मुकाबले ये जगह थोड़ी अलग है। तो यहाँ आसपास आपके जरूरत की हर वो चीज है ना? हाँ। जैसा कि ढेर सारे जानवर? जी हाँ, बहुत सारे जानवर हैं, और हमें जो चाहिए वो हमारे पास ही है। ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ लगभग 56 लोग रहते हैं। अच्छा। और हम सब साथ ही रहते हैं। जी हाँ, और सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। और आप सभी को जानते होंगे? हाँ, हम सबको जानते हैं जी। हमें किसी बात का डर नहीं है। किसी बात का डर नहीं। वेल, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा। हाँ? हम साथ में कॉफी पियेंगे। तो मेरी वाइफ एल्सा आपको हमारा फार्म घुमाएगी। मैं आपको फार्म और हमारे जानवर भी दिखाऊंगी। और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। ये कौन है, इसका क्या नाम है? ये है माया, हमारी पेट। हेलो माया। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। पता है, बकरियां मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मेरी भी। हेलो हेलो हेलो, ये मेरे पास आएंगे या डरते हैं? नहीं नहीं, वो बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा। हाँ। ये काफी छोटे हैं। हाँ, ये सभी एक महीने की हैं। ओह, तो ये छोटे बच्चे हैं। हाँ। बेबी गोट, न्यू बॉर्न बेबीज। हेलो बेबी गोट्स। ये कौन से नस्ल की बकरियां हैं? इस नस्ल को बुअर कहा जाता है। बुअर? हाँ, बुअर। ये दक्षिण अफ्रीका की नस्ल है। ओके, और आप इनकी ब्रीडिंग क्यों करते हैं? खासकर मीट के लिए। ओह, हाँ। अच्छा, और इनका टेस्ट कैसा होता? हाँ। है? ओके, आ जाओ यहाँ। हो ये इनके कान पर क्या लगा हुआ है? हमें हर बकरी को मार्क करना होता है, तो ये एक तरह के चिप जैसा है। इनका पैर भी बनाना होता उनके है। उनके नाम जैसा है? हाँ, उनका नाम है। जब हम उन्हें कसाई खाना ले जाते हैं, इस नंबर से उन्हें पहचाना जाता है, और तब हमें पैसे मिलते हैं, नहीं तो उनकी पहचान नहीं होती। और ये काफी बड़े हो जाते हैं ना? हाँ, ये बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है। अच्छा। हाँ, तो बकरों का वजन लगभग 100 किलो के आसपास होता है। मतलब मुझसे भी भारी? हाँ, बहुत भारी। हाँ? हो जाते हैं, मुझसे भी ज्यादा। हाँ, लेकिन फिर भी ये लेकिन अभी ये छोटे बच्चे। हाँ, छोटे भी और प्यारे, बहुत क्यूट भी। बहुत क्यूट है। हेलो, इनकी माँ काफी प्रोटेक्टिव है। हाँ, सभी माएं प्रोटेक्टिव हैं। ओ, वो जाना चाहता है। हाँ? वाह, जरा इन्हें देखिए, ये कितने प्यारे हैं। एक इतना बड़ा सा और एक इतना छोटा सा। हाँ। जरा इनके बाल देखिए, कमाल के हैं। और ऐसे बालों में ये
80s के रॉक स्टार लग रहे हैं। हाँ। ये बहुत प्यारे हैं। इनके नाम क्या हैं? ये बड़े वाले का नाम है बाल्डे। बाल्डे? हाँ। और ये छोटा वाला? छोटी वाली है बेला। ये मुझे सूंघ रहा है क्योंकि ये जानता है मेरे हाथ में क्या है। हाँ। इन्हें ये बहुत पसंद है, है ना? पसंद है। ये लो, खा लो। और मैंने इस नस्ल का घोड़ा और कहीं नहीं देखा, क्या ये सिर्फ नॉर्वे में होते हैं? हाँ, ये एक नॉर्वेजियन नस्ल है। नॉर्वे में हम इसे कहते हैं लेट डोल। लेट डोल? हाँ। तो क्या ये वर्किंग हॉर्स हैं? अच्छा, इनके ये मसल देखकर अंदाजा लगता है। हाँ। ये बहुत ही मेहनती हैं। हाँ। और इसबेला कौन से नस्ल की? इसबेला एक मिनी शेटलैंड शीप डॉग है। शेटलैंड पोनी? मिनी शेटलैंड पोनी। ओ, तो ये स्कॉटलैंड से हैं। हाँ। ओ अच्छा। हाँ। मैं इन्हें और कैरेट्स दे देता हूँ। तो एलिसा, मैं यहाँ पर जितनी दूर देख पा रहा हूँ, मुझे बर्फ से ढके पहाड़ और पेड़ दिख रहे हैं। तो ये एक आइसोलेटेड जगह। हाँ। तो जब दूध खत्म हो जाता है तब आप क्या करते हैं? तब हमें लगभग 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, दुकानों पर। तो आपको अपना स्टॉक हमेशा भर के रखना पड़ता है? हाँ। अच्छा। या तो फिर हर हफ्ते, हम सब वैसे भी शॉपिंग के लिए जाते ही हैं। अच्छा। हाँ। तो शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं। हाँ। ओके। और अगर कुछ लेना भूल गए तो? तो फिर भूल जाइए। यही कर सकते हैं, जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं। ओके, बस यही एक तकलीफ है। हाँ। लेकिन हमें इस बात की भी आदत है। Okay. हाँ, यही आदत हमारी जीवन शैली है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और आप इसे बदलना भी नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ठंड बढ़ रही है ना? मुझे तो लग हाँ, रही है। सही कहा, ठंड थोड़ी बढ़ गई है। हाँ। हाँ। तो चलिए हम अंदर चल के कॉफी पीते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा। हाँ। ये लो, तुम ये आखिरी कैरेट भी खा लो। तो चलो बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय। मेरे ख्याल से नॉर्वे में अपने एडवेंचर की खोज में मैं आपके एडवेंचर के बारे में बहुत कुछ जान पाया कि आप कैसे इस गांव में बस गए। जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे ये सब शेयर करने के लिए। इसे यहाँ की भाषा में कैसे कहेंगे? हम इसे कहेंगे एट एवेंटियर। अच्छा, तो एट एवेंटियर। एट एवेंटियर। कॉफी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से आज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही मैं रोरोस की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि कुछ वक्त निकालकर मैं उन लोगों से मिला और उनसे बातें की जो मैं शायद कभी नहीं कर पाता। वैसे मैं अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करना चाहता हूं और जितनी जल्दी हो सके रोरोस पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं यहां पर आया। आप इससे डर क्यों रहे हो? मुझे मछली इतनी पसंद नहीं है, मैं झूठ नहीं कह रहा, सच में। तो अभी तक मैं कुछ भी नहीं पकड़ पाया। हम यहाँ कुछ देर और रुकेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं मछली पकड़ पाऊंगा। वैसे फिशिंग में एक्साइटिंग कुछ नहीं है क्योंकि दुनिया में कई लोग फिशिंग करते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी करते थे, लेकिन नॉर्वे में यहाँ के समुद्र में फिशिंग करना मेरे बकेट लिस्ट का हिस्सा है और इसे एक नॉर्वेजियन फिशरमैन से सीखना और भी कमाल का है। यहाँ के फिशरमैन दुनिया के बेहतरीन फिशरमैन में से एक है। सब इनके फिशिंग बिजनेस का राज जानना चाहते हैं। तो अगर एक नॉर्वेजियन फिशरमैन के हिसाब से मैंने मछली पकड़ ली तो मैंने कुछ सही किया है। अभी तक हम कुछ नहीं पकड़ पाए हैं, तो हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और मुझे यकीन है कि मैं एक मछली पकड़ पाऊंगा। तो स्टेग, मुझे बताइए ये क्या सही कर रहा हूँ? पहले तो आपने रॉड को गलत पकड़ा है। ओ, ओके, तो मैंने रॉड गलत पकड़ा है। पहली ही गलती। एक मिनट। ओके, तो अब मैंने सही पकड़ा है ना? हाँ। अब मछलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें? सीटी बजाकर? नहीं।
अभी तक हम कुछ नहीं पकड़ पाए, हम यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे और क्या पता कोई मछली चारा खाने आ ही जाए, तो इंतजार करते हैं। मुझे लगता है क्या ये हाँ ओके अच्छा आप क्या करूं मैं एक मिनट रुकिए okay. एक मिनट ऐसा करें क्या आप ये कर सकते हैं मैं इसे नहीं मारना चाहता तो मैं अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने में कामयाब हो रहा हूं, लेकिन ये सब बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। जैसे आज मैं पानी में फिशिंग के लिए गया था और मैंने जिंदगी में पहली बार मछली पकड़ी, इससे पहले कभी नहीं पकड़ी थी। सच कहूं तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं, और अब मैं उसे खाने वाला हूं। जाहिर है मैं उसे नहीं पकाने वाला, यहाँ के हेड शेफ ली इस काम में मुझसे ज्यादा बेहतर है और वो शेफ है, तो वो ही बनाएंगे और मुझे यकीन है बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन हम आगे कहां जाने वाले हैं? जाने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। हम ट्रॉन्डहाइम जा सकते हैं जिसकी एक हिस्ट्री है, और मैं हमेशा से वहां जाना चाहता था। वहीं राजा ओलिफ को दफनाया गया था। भी काफी कुछ पढ़ा है। रोरोस दरअसल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो 17वीं शताब्दी से एक माइनिंग शहर रहा है, और मैं इसके बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स भी पढ़ता आया हूं। वहां की लाइफ बहुत स्लो है, वहां के लोग घूमते रहते हैं और लाइफ का मजा उठाते हैं। और अगर देखा जाए हमने अभी तक बहुत कुछ किया है। ऐसा लग रहा है कि अब टाइम हो चुका है हम भी अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो करें और जैसे यहां के लोग जीते हैं उसी तरह से जीना शुरू करें। तो ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे रोरोस, और वो काफी उत्तर की तरफ है तो हमें बहुत लंबा सफर करना होगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो अब अगला स्टॉप रोरोस है, लेकिन उसके पहले डिनर, और उसके साथ ये नॉर्डिलेस बियर, ये एक लोकल बियर है। नॉर्डिलेस का मतलब है नॉर्दर्न लाइट्स, फिलहाल बस उसकी कल्पना कर सकते हैं।